अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है एंड क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सो इसका करेक्ट आंसर अरशद नदीम है। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है, और इन्होंने नेजा फेंका जो कि 87.82 मीटर्स दूरी पर जाकर गिरा, और ये फर्स्ट पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। सो अरशद नदीम इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला जो हैं वो सरफराज अहमद भुट्टी हैं, और ये अगस्त में ही बने हैं, और ये इंटरिम जो हैं इंटरिम वजीर दाखिला हैं, और इन्होंने राणा सनावला को रिप्लेस किया है। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वजीर आला हैं बलोचिस्तान के, ये अली मर्दान डोमकी हैं, और ये भी जो हैं निगरान वजीर आला हैं, और ये अगस्त 2023 में इन्होंने हलफ लिया है, और इन्होंने अब्दुल कुदूस बिजिंजो को रिप्लेस किया है। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के जो वजीर आला हैं ये मकबूल बाकर हैं। मकबूल बाकर जो हैं इनकी भी अपॉइंटमेंट अगस्त में हुई है, और इन्होंने मुराद अली शाह को रिप्लेस किया है। विच सिटी हैज़ होस्टेड पाकिस्तान मिनरल समिट 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इस्लामाबाद है। ये जो है पाकिस्तान मिनरल समिट 2023 ये फर्स्ट एडिशन था जो कि इस्लामाबाद में हुआ 1 अगस्त 2023 को। इसका वेन्यू जो है इस्लामाबाद है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया है, और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो शहबाज शरीफ थे, और इसका जो थीम था वो था डस्ट टू डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट एडिशन था इसका। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वजीर कानून जो हैं मौजूदा ये अहमद इरफान असलम हैं। अहमद इरफान असलम भी अगस्त में ही बने हैं, और इन्होंने आज़म नज़ीर तारण को रिप्लेस किया है। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूदा वजीर सेहत जो हैं फेडरल के, ये डॉक्टर नदीम जान हैं। डॉक्टर नदीम जान अगस्त में ही बने हैं, और इन्होंने अब्दुल कादिर पटेल को रिप्लेस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन अगस्त 2023। सो इसका करेक्ट आंसर अरूज आफ्ताब है। अरूज आफ्ताब ये वही है जिन्हें कुछ टाइम पहले ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। सो इन्हें 14 अगस्त 2023 को जो है प्रेसिडेंट का जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड होता है ये दिया गया है वाशिंगटन यूएसए में। सो अरूज आफ्ताब इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम शमशाद अख्तर है। शमशाद अख्तर भी ये अगस्त में ही बनी हैं, और इन्होंने इसाक डार को रिप्लेस किया है। सो ये वजीर ख़जाना हैं शमशाद अख्तर। पाकिस्तान इशूड कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मच टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ पाक यूएस डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो इसका करेक्ट आंसर ₹75 है। पाकिस्तान और यूएसए के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनको 75 साल हो चुके हैं, और 75 साल की खुशी में ₹75 का पाकिस्तान ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 24 अगस्त 2023 को ₹75 का कॉइन यानी कि सिक्का जारी कर दिया है। सो ₹75 इसका करेक्ट आंसर है। पीएम शहबाज शरीफ हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इन विच सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर रावलपिंडी है। रावलपिंडी में साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 अगस्त 2023 को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया है। सो ये रावलपिंडी में है, और testpoint.pk ज़रूर विज़िट करते रहा करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।